छत्तीसगढ़ का सबसे तेज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। नवीन जिला सारंगढ़ पिलाईगढ़ के अंतर्गत आने वाले सारंगढ़ परियोजना ग्राम पंचायत नौरंगपुर के सत्यनारायण पटेल ने की जिला कलेक्टर मैडम से लिखित में शिकायत। एकीकृत महिला एवं बाल विकास सारंगढ़ परियोजना के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 नौरंगढ़ कार्यकर्ता श्रीमती पुष्पा चौहान, जो कि कार्यकर्ता के रूप में पदस्थ है, जो कि बच्चे के पालक द्वारा से पूछा जाता है कि आप लोग बच्चे लोगों को पढ़ाते लिखाते नहीं हो और नहीं कभी आंगनबाड़ी केंद्र खोलकर बच्चों को खाना खिलाती है और आप लोग रोज पार्टी खाते हैं, कहने पर श्रीमती पुष्पा चौहान ने ये बताया कि हम लोगों को इतना फुर्सत कहाँ कि हम लोग केंद्र खोलकर बच्चों को पढ़ाते। महीने में 5 से 10 दिन केंद्र खुलते हैं क्योंकि हम लोगों को कलेक्टर मैडम बहुत काम दे देते हैं, इसलिए केंद्र नहीं खोलते हैं। वहीं रात बाद बच्चों को पढ़ाने की, तो बच्चे दीवार में बने छाया चित्र को देखकर अपने आप पढ़ लेते हैं। और रही बात बच्चों को खाना खिलाने की, तो शासन से आदेश है कि बच्चों को आलू सब्जी रोज बनाकर देना है और हरी सब्जी महीने में कभी कभी देते हैं, यही शासन का नियम आदेश है। जबकि कुछ दिन पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कुछ महीने पहले ही वेतन बढ़ाने के लिए हड़ताल की थी, जो काफी दिनों तक चली थी। अब शासन से इसकी मांगों को पूरा कर कार्यकर्ताओं का वेतन 6,500 रुपए मासिक वेतन से बढ़कर 10,000 रुपए कर दिया है। वहीं सहायिका का वेतन 3,250 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन ने इसके कार्य को देखते हुए इनकी मांगों को पूरा कर अपना वादा निभाया, लेकिन वेतन बढ़ जाने के बाद इस तरह के बच्चों के साथ लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना ड्यूटी नहीं जाने वाली कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है। काका सब्जी बने है तू नंबर नहीं पार्टी में कछु बनात रहा है काका सब्जी बने है ये कहा दाल आलू भाजी हां और लेकिन मैं काका खवा रहा है आलू भरा आलू भरा दा भरा दा लेकिन क्या पहली बन गई रही हां हां उन्होंने कहा था हमारे गांव वहां से लेकिन हम तो मजा तो पढ़ाई कैसे वो हो जा थे कहा था वो तुम के उन्होंने कहाँ पढ़ा थे अच्छा यहाँ हुआ था हाँ वो सरपंच आने जा जो का बने जो का भी किया तो ना ठीक है लेकिन उन्होंने तो बढ़िया पढ़ा थे ना तो बढ़िया पढ़ा थे तो बढ़िया बात है तो तुम कमन पढ़ा था हाँ मतलब 15 डिग्री लगे रहते कहाँ पढ़ा वो वहाँ वाला सर्वे करे जाबो कि वोटर आईडी कार्ड करे जाबो कि वो कलेक्टर मैडम की ड्यूटी में जाबो तो पढ़ाबो मैंने तो ना पढ़ाई टाइम नहीं मिली तुम्हारा पढ़ाई टाइम ही नहीं मिला अगर पढ़ेंगे तो 5 दिन 10 दिन लग पड़ जाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।